आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से आने वाले बयान क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछकर या उनके विचार के बाद दिए जा रहे हैं, या फिर ये जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो अपनी पार्टी के दोतरफा रवैये को दिखा करके दोनों तरफ बने रहना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जब से तीन तलाक और धारा 370 का फैसला हुआ है, तब से जदयू में अलग अलग तरह के बयान आने लगे हैं। आर्टिकल 370 के निर्माण को लेकर राज्यसभा में विरोध पर उतरी जेडीयू ने अब अचानक ही अपना रुख बदल दिया है। हालांकि इन सब मुद्दों पर नीतीश कुमार का स्टैंड यथास्थिति है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने कहा है कि हमारे दिवंगत नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि हम किसी भी विवादित प्रस्ताव का साथ नहीं देंगे, ऐसे में हम उनकी आत्मा को दुखी करना नहीं चाहते हैं। अब इस बात के साथ आरसीपी सिंह के बयान लगातार मुखर होकर आते रहे हैं। हालांकि राज्यसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो आरसीपी सिंह भी मौजूद थे। उस समय उन्होंने इसके विरोध में अपना वॉकआउट किया था। पहले से ही जदयू में तय था कि वो तीन तलाक की तरह जब भी इस तरह के मुद्दे सामने आएंगे तो वो सदन से वॉकआउट कर जाएंगे। अब ऐसे में उनका कहना कि हम उनकी आत्मा को दुखी नहीं करना चाहते हैं, इस बात का क्या मायने निकाला जाए। हमने आपको खबरों के माध्यम से लगातार दिखाया है कि किस तरह से रोज बिहार की रणनीति, राजनीति और केंद्र में होने वाले हर फैसले का असर दिखाई देने लगा है। गठबंधन में सब कुछ ठीक है, इस बात का दोनों ही तरफ से बार बार हवाला दिया जा रहा है। इन सब के बाद अब धारा 370 का विरोध किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका फैसला असमंजस की स्थिति में है। और इसके साथ ही असमंजस की स्थिति में बिहार में गठबंधन की सरकार भी है। बुधवार को बिहार की राजनीति में कई तरह के बदलाव बयानों के माध्यम से आते दिखे। आर्टिकल 370 का विरोध कर रहे सीपी सिंह ने अचानक कहा कि अब सभी को कानून मानना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार को और ज़्यादा बदलाव दिखाते हुए सिंह ने बिहार में किसी भी तरह के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात को खारिज कर दिया। आपको पता है कि जब भी एनडीए सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकारों का गठन हुआ है, चाहे केंद्र में हो या फिर राज्य में हो। नीतीश कुमार इसके अगुवा रहे हैं और हर बार जो जदयू के अध्यक्ष रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए हैं। इस बार तो जदयू ने अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया था। अब एक बार फिर जदयू के एक सम्मानित नेता और प्रधान महासचिव सांसद के तरफ से दिया गया बयान कितना जायज और कितना पार्टी हित में है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाए जाने की बात को लेकर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस एजेंडा पर आगे रणनीति बरकरार रखने और अपनी राजनीति चलाने की बात गले से शायद नीतीश कुमार के न उतरे और नीतीश के समर्थकों को भी असमंजस में डाल दे। सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने कहा कि जब केंद्र में पहली एनडीए सरकार बनी तब वह बहुमत में नहीं थी, इसलिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया गया था। अब यह स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र में भाजपा का खुद का भी बहुमत है, इसलिए वहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आवश्यकता ही नहीं है। इसी के साथ उन्होंने बिहार में भी किसी तरह के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से इनकार करते हुए कहा कि यहाँ भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, सिर्फ विकास मुद्दा होगा। आर्टिकल 370 के निष्प्रभावी किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने फिर कहा कि जब कोई विवादित मुद्दा हो तो जितना आप विरोध कर सकते हैं करें, लेकिन जब एक बार कानून बन जाए तो उसको स्वीकार करने की जरूरत है और इसी के आधार पर आगे बढ़ा जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ नीतीश कुमार मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार कई तरह की योजनाएं बना रहे हैं और विरोध
का एक अलग तरह से सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए वो विरोध पर लगातार अड़िग हैं। वहीं उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान दिया जाना कि वो भारतीय जनता पार्टी के हर एजेंडे के साथ हैं, तो क्या आने वाले और कई मुद्दे हैं जिसमें कॉमन सिविल कोर्ट है, राम मंदिर निर्माण है, इन पर भी नीतीश कुमार पूरी तरह से सहमत हैं। जुड़े रहें न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। इस तरह की बातें और बदलते राजनीतिक बयान समीकरण के साथ साथ देखने वाली बात ये होगी कि अब नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति किस करवट बैठती है। नीतीश कुमार की पार्टी में विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। अब इस मुखर स्वर में नीतीश कुमार कहाँ हैं, या नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, ये अभी सामने आना बाकी है। जुड़े रहें न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।